पश्चिमी दिल्ली के जनकपुर स्थित एक निजी अस्पताल पर एक मासूम बच्ची के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। इस बच्ची को बुखार के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन बच्ची के घर वालों ने अस्पताल के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया, जिसकी जांच शुरू हो गई है। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये एक पैसा कमाने की दुकान है। क्या इलाज पैसा कमाने का जरिया बन गया है? क्या अस्पताल लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं? डॉक्टरों, अस्पतालों की मनमानी पर कैसे लगेगी रोक? 5.5 साल की मासूम समायरा अब सिर्फ तस्वीरों में ही जिंदा है। बुधवार सुबह 9:30 बजे बुखार के इलाज के लिए घर वालों ने समायरा को जनकपुरी के इसी शिशु सदन में भर्ती कराया। घर वालों के मुताबिक पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन शाम करीब 4 बजे डॉक्टरों ने बच्ची की हालत नाजुक होने की बात कही। 4 बजे फोन करके बोला गया कि आप एक वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस इमीडिएटली अरेंज करें, और बीच में पूरे दिन में 9:30 से 4 बजे तक हमें कुछ नहीं बोला गया। जब बच्ची की डेथ हो गई तो बॉडी यहाँ से हटाने के लिए हॉस्पिटल ने ड्रामा करना शुरू कर दिया, तो हमने एम्बुलेंस अरेंज करने की कोशिश करी। 15 मिनट में बालाजी एक्शन हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुला ली। बाय द टाइम हमारी एम्बुलेंस यहाँ पहुँची तो इन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें गुमराह करने के लिए अस्पताल का सारा स्टाफ 2 घंटे तक दिखावा करता रहा। ये पेपर इन्होंने 2 घंटे तक फाइल मिसिंग रखी, और उसके बाद ये बोला कि जो आप इसमें ढूंढ रहे हो वो कागज इसके अंदर नहीं है, वो हमने पहले हटा दिए जो आप ढूंढ रहे हो। 3 डॉक्टर हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जबकि अस्पताल कुछ और ही कहानी बता रहा है। 3 बजे बच्चा दोबारा से सीख हुआ तो मैं उनके साथ खड़ा था। मैंने अराउंड 1 आवर उनके साथ खड़े होकर डिस्कस किया, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको रिटेन में लूँ। बट मैंने उनसे वर्बली पेशेंट के फादर से पूरा काउंसलिंग की, पूरा प्रोग्नोस्टिकेट किया, और उसके बाद मैंने उनके सामने ही मैनेज किया। फादर हमारे साथ थे, वो हमारे पास CCTV रिकॉर्डिंग में है। घर वालों का आरोप है कि अस्पताल में CCTV फुटेज भी हटा दिया गया है। जब अस्पताल के ओनर डॉक्टर से बात करवाने के लिए कहा गया तो भी टका सा जवाब दे दिया गया। जो ड्यूटी डॉक्टर थे, जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे, जिन्होंने बच्चे का ट्रीटमेंट किया, उनका कहना था जो डॉक्टर उत्तम पाल जो इस हॉस्पिटल के ओनर हैं, वो USA में बोस्टन में हैं, और वो छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। वो परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने ना तो ढंग से इलाज किया, ना घर वालों को कोई जानकारी दी, उसी की लापरवाही से बच्ची की जान चली गई। अब अस्पताल डेंगू की बात कह रहा है, जबकि घर वालों को इस बारे में कभी बताया ही नहीं गया। उसको शॉक को हम लोगों ने मैनेज करने के लिए सस्पेक्टेड डायग्नोसिस सीवियर डेंगू फीवर विद शॉक करके उसको उसी लाइन पे मैनेज किया। नॉर्मल फीवर कह के एडमिट किया था और 4 बजे डेड डिक्लेयर कर दिया, और बच्ची उससे पहले स्कूल जा रही थी रेगुलर। बच्ची के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस जांच का जो भी नतीजा निकले, लेकिन निजी अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए सोचने वाली बात ये है कि आखिर क्यों लोगों का उन पर से भरोसा टूटता जा रहा है। मनोरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।